Hi everyone, my name is Mohammad Fahan Khan. Today we will talk about the rule and regulation of volleyball game. Before talking about the rule and regulation, we will talk about the history of volleyball game. Volleyball game was invented in 1895 by William G. Morgan. William G. Morgan is the physical director of YMCA in Holic. Morgan called the sport Minutet. Until a professor from Springfield College noted the walling nature of play and proposed the name of volleyball. Minutet पहले नाम दिया गया था, फिर इसको जो है इसके नेचर के हिसाब से वॉलीबॉल नाम दिया गया. अब हम बात करेंगे सबसे पहले इसके कोर्ट के बारे में. इसका जो कोर्ट होता है वो एक रेक्टेंगुलर टाइप में होता है. इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 18 मीटर. इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 18 मीटर. इसकी जो विड्थ होती है वो होती है 9 मीटर. इसमें जो लाइंस होती हैं वो बेसिकली 4 लाइन होती हैं. सबसे पहले जो ये साइड, ये जो लाइन होती है इसे हम कहते हैं साइड लाइन. इसको हम कहते हैं साइड लाइन. ये जो लाइन होती है इसको कहते हैं एंड लाइन. ये जो लाइन होती है उसको कहते हैं अटैक लाइन. और ये जो लाइन होती है उसको कहते हैं सेंटर लाइन. सेंटर लाइन के ऊपर नेट लगा होता है और जो सेंटर लाइन डिवाइड करती है जो हमारा कोर्ट होता है उसको दो पार्ट में, 9 मीटर लेंथ 9 मीटर विड्थ एक कोर्ट, 9 मीटर लेंथ 9 मीटर विड्थ सेकेंड कोर्ट. इसमें हम जब प्ले करते हैं तो बॉल कभी कभी लगने के बाद वो बाहर चली जाती है. बाहर चली जाती है तो प्लेयर भागकर जाता है उस बॉल को उठाने. तो इसीलिए हम इसमें एक फ्री जोन छोड़ते हैं. फ्री जोन चारों तरफ से हम एक फ्री जोन छोड़ते हैं जिसकी मिनिमम जो लेंथ होती है वो होती है 3 मीटर. चारों तरफ से 3 मीटर हम छोड़ते हैं और मैक्सिमम 6.5 मीटर हम लेंथ छोड़ते हैं. इसमें जो एरिया होता है ये होता है फ्रंट जोन और ये होता है डिफेंस जोन. ये डिफेंस जोन होता है. अच्छा, इसमें जो प्लेयर जो हमारे खड़े होते हैं वो हमारे कुछ इस टाइप से खड़े होते हैं. यहाँ पे खड़ा है प्लेयर, एक यहाँ पे खड़ा है, 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 एक यहाँ पे खड़ा है. ये 6 प्लेयर खेलते हैं. इसमें टोटल जो है 12 प्लेयर होते हैं लेकिन 6 खेलते हैं और 6 सब्स्टिट्यूट में बाहर रहते हैं कि उन्हें हम चेंज करा जा सके. तो इसमें जो प्लेयर होते हैं, अच्छा ये जो है एक ये होता है, ये एरिया जो होता है अटैक लाइन से एंड लाइन, ये होता है लिब्रो सब्स्टिट्यूशन एरिया. और एक इधर होता है, एक उधर होता है उनका. हम बात करें कि हाफ कोर्ट की. और ये जो एरिया होता है सब्स्टिट्यूशन जोन का, ये और होता है. और जो ये नेट होता है तो ये नेट में इस यहाँ सेंटर लाइन से सेंटर लाइन के बाद सेंटर लाइन और साइड लाइन यहाँ पर टच करती है उसके आगे 50 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर दूर एक पोल लगाया जाता है जिसमें हम नेट को बांध सकें. उस पोल की हाइट होती है 2.55 मीटर. इसकी जो हाइट होती है, एक इधर पोल लगाया जाता है, एक इधर पोल लगाया जाता है, फिर बीच में एक नेट बांधा जाता है जिसकी लंबाई होती है 9.5 मीटर से 10 मीटर और जो इसकी ब्रेथ होती है वो 1 मीटर की होती है. और जो इसमें जो खाने होते हैं उनकी भी एक डायमेंशन फिक्स किया गया है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लेंथ 10 सेंटीमीटर टू ब्रेथ. और इसकी जो हाइट होती है, ये नेट जो है जमीन से जो कितना ऊपर लगाया जाए इसकी जो हाइट होती है वो 2.43 मीटर होती है मेन के लिए और वुमेन के लिए होती है वुमेन के लिए होती है 2.24 मीटर वुमेन के लिए होती है 2.24 मीटर. और जो इसके ऊपर जो ये जो होता है जब हमारा नेट होता है इसमें ये सफेद सफेद यहाँ पे बैंड लगा होता है सफेद. इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 7 सेंटीमीटर.
कि बॉल हमारी उसमें टच हो सकती है और मतलब उधर भी गिर सकती है इधर भी गिर सकती है, चीज लगाया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके एंटीना की। इसमें जो यहाँ पर नेट होता है इसमें एक एंटीना लगाया जाता है, इसमें एंटीना लगाया जाता है, ये एंटीना लगा होता है, ये हमारा एंटीना लगा है, ये लगा एंटीना। इसकी जो टोटल हाइट होती है एंटीना की होती है 180 सेंटीमीटर, 1.80 मीटर, ठीक है। तो ये नेट से लगा हुआ होता है जो हमारी यहाँ पे सेंट्रल लाइन और एंड लाइन एंड मिल रही है इसके ही सीध में लगा होता है। तो 1 मीटर तो ये कवर कर लेता है यहाँ पर से, और 80 सेंटीमीटर ये ऊपर होता है, 80 सेंटीमीटर ये हमारा ऊपर होता है इधर भी और उधर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसके इसके बीच की दूरी 9 मीटर होती है, इसके इसके बीच की दूरी 9 मीटर होती है। ये एंटीना फ्लेक्सिबल होता है और इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 10 mm, ठीक है। अब हम बात करते हैं बॉल की, ये सब इक्विपमेंट में आते हैं। अब हम बात करते हैं बॉल की। बॉल की जो इसकी बॉल होती है उसका वेट मिनिमम 260 ग्राम होना चाहिए, कम से कम 260 ग्राम होना चाहिए और मैक्सिमम 280 ग्राम। तो कहा गया 260 to 280 ग्राम इसका बॉल का वेट होना चाहिए। इसका जो सरकमफ्रेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 65 to 67 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम इसमें जब हवा डालते हैं तो उसका भी एक प्रेशर वॉलीबॉल फेडरेशन ने तय किया हुआ है, वो जो है वो कम से कम है 0.300 to 0.325 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है इन्होंने एक प्रेशर तय किया हुआ है कि बॉल में हवा इतनी ही होनी चाहिए, ना इससे कम हो ना इससे ज्यादा हो, 0.300 to 0.325 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके ऑफिशियल्स की। इसमें जो ऑफिशियल्स होते हैं बात करते हैं उनकी ऑफिशियल्स, ठीक है। इसमें ज्यादा हम ऑफिशियल्स एक फर्स्ट रेफरी रखते हैं, एक सेकंड रेफरी रखते हैं, एक स्कोर रहता है मेरा, और तीन दोस्त या चार हमारे रहते हैं जो लाइन पे रहते हैं हमारे रेफरी, उन्हें हम कहते हैं लाइन जज। ये हमारे इतने रेफरी रहते हैं कम से कम। अच्छा, फर्स्ट रेफरी जो है हमारा, फर्स्ट रेफरी और सेकंड रेफरी विसिल का इस्तेमाल करता है, और जो लाइन जज होते हैं वो फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो है दो कार्ड होते हैं, येलो कार्ड होता है एक रेड कार्ड होता है, और पहले वार्निंग दी जाती है, वो वार्निंग वर्बल भी हो सकती है और हैंड से सिग्नल के थ्रू भी दे सकती है। तो इसके बाद येलो कार्ड दिया जाता है, वो जो है एक पेनल्टी दी जाती है, और उसके बाद रेड कार्ड दिया जाता है जिसमें एक्सप्लेनेशन होता है, और अगर दोनों कार्ड दिखाया जाएगा तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा वो खिलाड़ी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक बार जरा हम अपने रेफरियों पे कि हमारे रेफरी कहाँ पर खड़े होंगे। ये हमारा कोर्ट है, ये हमारा कोर्ट है, ठीक है। अगर हमारे पास रेफरी कम है तो एक तो हमारा रेफरी यहां पे रहेगा, फर्स्ट रेफरी, रेफरी नंबर 1 यहां पे रहेगा, रेफरी नंबर 2 यहां पे रहेगा, ठीक। अगर हमारे पास दो है लाइन्समैन जो है, दो है जो लाइन जज है, अगर हमारे पास दो है तो एक तो यहां पे रहेगा, लाइन जज 1 लाइन जज 2। अब अगर दो है तो ये इधर वाली लाइन देखेगा और इधर वाली लाइन देखेगा, ये इधर वाली लाइन देखेगा और इधर वाली लाइन देखेगा। अगर हमारे पास दो लाइन जज हैं
तो एक लाइन जब इस कॉर्नर पर रहेगा, एक लाइन जब इस कॉर्नर पर रहेगा, ये लाइन जब ये लाइन और ये लाइन देखेगा, ये लाइन जब ये लाइन और ये लाइन देखेगा, अगर हमारे पास चार लाइन्स मैन है, ठीक है, अगर हमारे पास चार लाइन जज है, ठीक है, अगर आपको चार लाइन जज है तो एक लाइन जज इस कॉर्नर पर रहेगा, 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 जो लाइन जज वन है वो इस लाइन में देखेगा से, लाइन टू इधर देखेगा केवल, लाइन वन जो है सिर्फ इस लाइन को देखेगा, लाइन जो टू है वो इस लाइन को देखेगा, और लाइन जो थ्री है वो इस लाइन को देखेगा, और लाइन फोर जज है वो इस लाइन को देखेगा। ये हमारे रेफरी की पोजीशन होती है, यहाँ पर हमारे रेफरी होते हैं और यहीं पर एक स्कोरर बैठा होता है, यहाँ पर स्कोर कीपर जो है वो यहाँ पर बैठा होता है, ये स्कोर कीपर है, ये स्कोर कीपर है, ये हमारे ऑफिशियलों की वो है, बात करते हैं हमारे जो वॉलीबॉल में बेसिक स्किल्स होती हैं, वो होती है बेसिकली सिक्स होती है, एक पासिंग होती है, एक सेटिंग होती है, एक स्पाइकिंग होती है जिसे हम अटैकिंग भी कहते हैं, एक ब्लॉकिंग होती है, एक डिगिंग होती है और एक सर्विसिंग होती है, ठीक है। इसमें जो प्लेयर्स की पोजीशन होती है हम हाफ कोर्ट लेके समझा रहे हैं, ये हमारा हाफ कोर्ट है, ठीक है, ये हमारी सेंटर लाइन है, ये हमारी सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन यह है, एंड लाइन, ठीक है। इसमें पोजीशन होती है, एक प्लेयर ये होता है, एक प्लेयर ये होता है, एक प्लेयर ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, ठीक। अब जो इसमें यहाँ पर पोजीशन दी गई, मान लीजिए नंबर वन है, ठीक है, ऐसे देते हैं ज्यादा सही रहेगा, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, नंबर सिक्स, ठीक है। ये हमारे छह प्लेयर होते हैं, इनकी जो पोजीशन होती है वो सबसे पहले इसमें होती है, नंबर एक पे ये तीन हमारे अटैक जोन के आगे होते हैं और तीन अटैक जोन के पीछे होते हैं। नंबर एक जो होता है वो सर्विस पे सर्विसर होता है, पहले बात करेंगे नंबर, जैसे नंबर एक है, नंबर चार है, नंबर चार है यहाँ पर, इसे कहेंगे काउंटर अटैकर। फिर नंबर थ्री है, इसको हम कहेंगे सेंटर अटैकर, इसे कहेंगे हम तीसरे नंबर, सेकंड नंबर को राइट साइड अटैकर, इसे हम कहेंगे चौथे वाले को सेटर, पांचवे वाले को, फिर बीच में हमारा लिब्रो रहता है और यहाँ पर हमारा रहता है यूनिवर्सल, ठीक है। अच्छा, इसमें जो हमारे सेट होते हैं वो 20-20 सेट होते हैं जब हमारा गेम स्टार्ट होता है, या तो तीन सेट होता है या पांच सेट होते हैं, अगर तीन सेट होंगे तो 25-25 के होंगे। टीम वो विनर होती है जो दो पॉइंट लीड लेके 25 पॉइंट पहले बनाती है। मान लो कि हमने 20 पॉइंट पे है और उसके 25 हो गए तो वो जीत गया। अगर इस टीम ए के पॉइंट 23 है और टीम बी के पॉइंट 25 है तो टीम बी 25 वाली विनर होगी। अगर 24 ए के हैं और 25 बी के हैं तो ये विनर नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसे जो है टू की लीड होनी चाहिए, कम से कम दो पॉइंट की लीड होनी चाहिए, तो इसे या तो 26 बनाने पड़ेंगे या इसे 26 बनाने, या इसे 27 बनाने पड़ेंगे, जिसके 24 है 27 बनाने पड़ेंगे और जिसके 25 है उसके 26 बनाने पड़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अब इसमें जो है सबसे पहले हम बात करेंगे, अब बात करेंगे हम अब हम बात करेंगे इसमें कुछ फाउल्स की, ठीक
ठीक है। अब बात करेंगे फाउल्स की, कि हमें कब हमें पॉइंट मिलता है कब नहीं मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्विसिंग में, जब हम फाउल करते हैं सर्विस, जैसे हमारी ये एंड लाइन है, ठीक है, एंड लाइन के पीछे हमारा ये सर्विस एरिया जोन है, ये एंड लाइन है, यह हाफ कोर्ट है, ये एंड लाइन है, एंड लाइन के पीछे सर्विस एरिया जोन है। तो जब हम सर्विस करेंगे तो हमारा पैर इस लाइन से पीछे होना चाहिए, अगर हमारा पैर इस लाइन पे है सर्विस के टाइम, तो हमारी फाउल हो जाएगा और हम पॉइंट गवा देंगे, ठीक है। और अगर हम बॉल को जब हम सर्विस करेंगे, ये हमारे इस एंटीना के बाहर जाती है, इस एंटीना के बाहर जाती है बॉल, तो भी ये फाउल होगा। बाय चांस ये हमारे एंटीना पे लगती है तब भी ये फाउल होगा, एंटीना पे भी ये फाउल होता है। बॉल अगर हमने सर्विस की और बॉल इस एरिया से उस एरिया में बाहर भी जाके, तो ये आउट होगा और पॉइंट गवा देंगे, ठीक है। अगर हम जब हम वॉलीबॉल खेल रहे हैं और हमारा प्लेयर ने स्पाइकिंग की, ठीक है, या अटैक किया, और हमारे प्लेयर का हाथ या कोई भी बॉडी पार्ट अगर उस नेट में टच हो गया, तो ये भी फाउल होगा। नेट में नेट हम टच नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्ले, ठीक, अगर जरा सा भी नेट टच हुआ तो फौरन हमारा फाउल होगा। और इसमें हम जब बॉल आती है तो कम से कम केवल 3 हिट ली जाती है, अगर 3 से ज्यादा बार हिट हमने ले ली तो वो भी फाउल होगा। उधर से सर्विस होगी, इधर हम पासिंग करेंगे, और जो है इसमें हम केवल 3 ही हम टच ले सकते हैं, अगर 3 से ज्यादा बार टच लेंगे तो हमारा फाउल में काउंट होगा और हमारा पॉइंट चला जाएगा और सर्विस ब्रेक हो जाएगी। अगर हम हमारे बॉल 3 से 4 बार होगा तो फाउल हो जाएगा, अगर एक प्लेयर 2 बार टच कर लेता है, मान लीजिए एक बार हमने किया और दोबारा हमने किया, तो ये भी फाउल हो जाएगा, या हमने किया और हमारे बॉल लगने के बाद चेस्ट पे लग गई या किसी अदर बॉडी पार्ट पे लग गई, तो ये भी हमारा फाउल होगा, ठीक है। अगर हमारा अटैकर जो है स्पाइकिंग कर रहा है और उसका पैर इस लाइन को टच हो गया, सेंट्रल लाइन को टच हो गया, तो भी ये भी फाउल में गिरा जाएगा। बॉल जब आती है तो कभी कभी बॉल होल्ड हो जाती है, उस बॉल होल्डिंग को भी हम फाउल करा देंगे कि हमने बॉल पकड़ ली, उसको रेफरी अपनी जो है नजरों से देखता है। अब हम बात करेंगे सबसे जो तगड़ा नियम है, जो मुश्किल नियम है, इसमें सर्विस रोटेट होती है, अगर सर्विस रोटेट में हमने गलती करी तो भी हम पॉइंट गवा देंगे। सर्विस जो रोटेट होती है वो होती है क्लॉकवाइज, लेकिन जो पोजीशन हमारी होती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज। ये हमेशा याद रखिए, जो हमारी जो पोजीशन होती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज, और जो हमारी जो सर्विसिंग होती है जो वो होती है क्लॉकवाइज। इसमें जो पोजीशन होती है वो होती है जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ठीक, ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज है, नहीं एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज है। जो हम सर्विसिंग करेंगे वो हम क्लॉकवाइज करेंगे, नंबर 1 सर्विसिंग करेगा, नंबर 2 सेटर होगा, नंबर 3 सेंटर ब्लॉकर होगा, नंबर 4 सेंटर अटैकर होगा, नंबर 5 लिब्रो होगा, नंबर 6 काउंटर ब्लॉकर सेंटर ब्लॉकर होगा, ठीक है। तो हमेशा इस बात पे याद रखें, सर्विस हमेशा नंबर 1 करेगा, सर्विस हमेशा नंबर 1 करेगा, और ये रोटेशन फॉर्म चलती रहेगी। अब कैसे चलती है ये हम आपको बता रहे जा रहे हैं। सर्विस हमेशा नंबर 1 लेगा, जब तक कि हमारा पॉइंट ब्रेक नहीं होता है सर्विस नंबर 1 लेता रहेगा। जैसे ही हमारा पॉइंट ब्रेक हुआ, ठीक, पॉइंट ब्रेक होने के बाद जब हमारे पास अगली सर्विस आएगी तो नंबर 1 नंबर 6 की जगह पे चला जाएगा, नंबर 1 नंबर 6 की जगह पे चला जाएगा, नंबर 6 नंबर 5 की जगह चला जाएगा, नंबर 5 नंबर 4 की जगह चला जाएगा,
नंबर फोर नंबर थ्री की जगह चला जाएगा, नंबर थ्री नंबर टू की जगह चला जाएगा, नंबर टू नंबर वन की जगह आ जाएगा। मतलब ये है कि यहाँ पर पोजीशन पूरी ये हो जाएगी, ये सर्विस लेगा, ये पोजीशन हमारी ये हो जाएगी, ये नंबर टू सर्विसिंग पे आ जाएगा, नंबर वन इधर चला जाएगा, नंबर सिक्स इधर चला जाएगा, नंबर फाइव ये। फिर जब हमारा पॉइंट ब्रेक होगा फिर वही पोजीशन होगी, नंबर टू नंबर वन की जगह पे आ जाएगा, नंबर वन नंबर सिक्स की जगह पे आ जाएगा, नंबर सिक्स नंबर फाइव की जगह चला जाएगा, नंबर फाइव नंबर थ्री की जगह चला जाएगा, नंबर थ्री नंबर फोर नंबर थ्री की जगह चला जाएगा, नंबर थ्री सर्विसिंग पे आ जाएगा। जो यहां पर रहेगा वो हमारा सर्विसिंग करेगा, ठीक है। इसमें 25 के थ्री सेट्स या फाइव सेट्स होते हैं। इसमें जो वाली बात होता है कि भाई तीन सेट होते हैं या फाइव सेट होते हैं, लेकिन जब तीन सेट होते हैं तो वो 25 25 ईच का होता है, लेकिन अगर फाइव सेट होंगे तो चार सेट तीन सेट होंगे, तीन सेट में जो दो सेट जीतेगा वो टीम विनर मानी जाएगी, और फाइव सेट जो होंगे उसमें जो थ्री सेट जीतेगा वो टीम विनर मानी जाएगी। मान लो अगर जो है टीम पांच सेट का मैच है और उसमें एक टीम दो जीती है सेट, एक टीम दो सेट जीती है, तो पांचवा सेट 15 पॉइंट्स का होगा, पांचवा सेट 15 पॉइंट्स का होगा, और उसमें जो टीम विनर होगी वो टीम विनर होगी। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।